Praise the Lord and good evening, dear friends, brothers and sisters, and everyone who is logging on to this online study. और आज की शाम में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ, सबको जय मसीह की। वे सब जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे इस बाइबल अध्ययन में आज की शाम जुड़े हैं। This Bible study is from Life Spring Assembly, Lucknow. और ये बाइबल अध्ययन लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया, जो कि लखनऊ की एक स्थानीय कलीसिया है, वहाँ से हम करते हैं। And this is meant for our church congregations, but everyone who has access to these studies in YouTube and Facebook, you are very welcome to you are also welcome to these studies. और ये बाइबल अध्ययन हमारे कलीसिया के लोगों के लिए है, लेकिन साथ ही साथ हम सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जिनके पास YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से वो इस बाइबल अध्ययन में जुड़ते हैं। These studies are very important because they are very relevant to today's चर्च। और ये अध्ययन बड़े जरूरी और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज की कलीसिया के लिए ये उतना ही मायने रखते हैं। Because all the needs of the Corinthian church in the first century are the same needs of today's church. क्योंकि कलीसिया की वो सारी बातें और सारी आवश्यकताएं जो पहली सदी की कलीसिया में थी, वो आज की कलीसिया की भी जरूरत है। And the greatest need of the Corinthian church was bringing discipline in many aspects of their Christian life. और जो सबसे बड़ी आवश्यकता कुरिन्थ कलीसिया में थी कि वो अपने जीवन में अनुशासन को लेकर के आए। And that's what the Corinthian letter is all about. और यही इसी विषय में पूरी कुरिन्थ की ये पत्री है। And we are now considering the portion of 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to chapter 14 verse 40. और इस बाइबल अध्ययन के विश भाग में अब हम आ पहुंचे हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पहले वचन से लेकर 14वां अध्याय 40वें वचन तक के इस भाग में। And this portion of the scripture and these chapters deal with the question concerning spiritual gifts and their operation. और वचन का ये भाग बात करता है आत्मा के वरदानों के विषय में और कैसे वे आत्मा के वरदान कलीसिया के लोगों के बीच में चलन करते हैं। We had our first introductory studies last week. और पिछले हफ्ते में हमने अपना पहला शीर्षक के अध्ययन को इस विषय में किया था। And at the end I gave several scripture passages and urging you to read that day itself. और अंत में मैंने बहुत सारे वचन के भाग आपको दिए थे, ये अनुरोध करते हुए कि आप उन्हें पढ़िए। And we discovered that the scripture clearly teaches that there are spiritual gifts and special gifts. और हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से वचन इस बात को स्पष्ट रीति से सिखाता और बतलाता है कि आत्मा के वरदान हैं। One of the marks of individual's maturity is a growing understanding of and appreciation for his own body. और एक सयाना होने का चिन्ह एक व्यक्ति के जीवन में यह है कि वो अपने देह अपने शरीर से प्रेम करता है। There is a parallel in spiritual life. और एक बराबर का एक जोड़ीदार हम देखते हैं इसी बात को लेकर आत्मिक जीवन में। As we mature in Christian life, और जैसे हम मसीही जीवन में सयाने होते हैं, and we gain a better understanding of the church which is his body. तब हम कलीसिया की और अच्छी समझ को पाते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह की देह है। And it is important that we gain a better understanding of the body life of the church. और ये महत्वपूर्ण है कि हम देह या कलीसिया की एक अच्छी समझ को, बेहतर समझ को अपने पास रखें। We as a fellowship, we as a congregation also are is a body. और हम एक स्थानीय कलीसिया होते हुए हम भी प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। The body of believers. और मसीहों की एक देह। Now there is a danger of emphasizing individual Christianity. और एक खतरा यहाँ पर आता है जब हम व्यक्तिगत ईसाईयत को महत्व देते हैं। That can lead a person to
isolation. और अगर ऐसा एक व्यक्ति करता है तो वो ये बात उस व्यक्ति को कलीसिया से अलग कर देती है. The individual Christianity और जो एकांत या व्यक्तिगत ईसाईयत है means such people have no fellowship with the rest of the members. इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो इस बात को मानते और इसका इसको करते हैं, ऐसे लोगों का स्थानीय कलीसिया के संग कोई जोड़ कोई रिश्ता नहीं. And no fellowship with the local church. और जो स्थानीय कलीसिया है उसके संग कोई संगति नहीं. And Paul uses several images to discuss the church. और पौलुस कई सारे बातों या उदाहरण को देता है ताकि वो कलीसिया के दृश्य को उदाहरण को समझा सके. For example, उदाहरण के तौर पर it is described as a family. और एक कलीसिया को पौलुस बताता है एक परिवार के रूप में. It is an army. और या एक सेना के रूप में. It is a temple. एक मंदिर के रूप में. And the church is a bride. और एक कलीसिया एक दुल्हन भी है. And the bridegroom of course is the Lord Jesus Christ. और सच में दूल्हा तो प्रभु यीशु मसीह ही है. And each image is very and has important lessons to learn. और हर एक दृश्य हर एक उदाहरण में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे सीखने के लिए. However, लेकिन फिर भी in three of his epistles उसके अपने तीन पत्रियों में Paul gave emphasis to the church as a body. पौलुस कलीसिया के ऊपर महत्व रखता है या दर्शाता और दिखाता है उसको देह कहते हुए. In each of these three, और इन तीनों पत्रियों में he gave the same three important truths. उसने एक ही जैसे तीन सत्यों को प्रस्तुत किया है. Which is जो कि है unity और जो कि है एकता diversity और विभिन्नता and maturity और सयानापन. Now about the unity in 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 13. और एकता के विषय में हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक. Diversity विभिन्नता जो पाई जाती है. Romans chapter 12 verses 1 to 21. उसके विषय में हम पढ़ते हैं रोमियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 21वें वचन तक. And maturity और सयानापन के विषय में in his letter to Ephesian church verse 4, 1 to 16. उसके विषय में पढ़ते हैं चौथा अध्याय और उसके चौथे वचन एक वचन से लेकर के 16वें वचन तक. And when we discuss the body, और जब हम देह के विषय में बात करते हैं, we also need to discuss about the Holy Spirit. तब हमें पवित्र आत्मा के विषय में भी बात करना जरूरी है. It is the Holy Spirit who gave birth to the body. क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जिसने देह को जन्म दिया है. That happened on the day of Pentecost. और ऐसा हुआ पेंटेकोस्त के दिन. The Holy Spirit came upon the waiting 120 disciples. कि पवित्र आत्मा उन इंतजार कर रहे 120 चेलों के ऊपर उतरा. Which of course included women as well. जिसमें महिलाएं भी मौजूद थी. All 120 of them were received the baptism of the Holy Spirit. और उनमें से हर एक 120 चेलों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया. And thus they were all united into one body. और इसके द्वारा वे सब एक देह में जुड़ गए. And it is the Holy Spirit who gave birth to that body. और ये तो पवित्र आत्मा ही है जिसने देह को जन्म दिया. Today the Holy Spirit ministers in and through the body. और आज के दिन वर्तमान में पवित्र आत्मा सेवा करता है देह के अंदर और देह के द्वारा. And in the world today, और संसार में आज के दिन, the church as the body of Christ, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह होते हुए, just like Jesus in his earthly life physically went and touched people and blessed people and healed people and did everything, जैसे यीशु मसीह ने अपने शारीरिक जीवन में लोगों से बातचीत किया, उन्हें छुआ, उन्हें चंगा किया, either the body of Christ which is the church today act and it is actually the extended body of Christ. और प्रभु यीशु मसीह की देह भी ऐसी ही है जो कि प्रभु यीशु मसीह की देह है और उसको दर्शाती है. I mean, the hands and the feet
जो कि ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के हाथ उसके पैर हैं एंड द आईज एंड द इयर्स और कान और आंखें हैं एंड दीस आर ऑल एक्सटेंडेड members of his body aur ye sare usi ki deh ke ang hain in the corinthian church corinth ki kalisiya mein unfortunately the members were grieving the holy spirit durbhagyavarsh kalisiya ke sadasya pavitra atma ko shokit kar rahe the we ask how aur hum puch sakte hain kaise by carnal ways apne sharirik riti se jeene ke dwara carnal ways of using the gifts of the holy spirit aur sharirik riti se pavitra atma ke vardano ka prayog karne ke dwara so you understand now how we as human believers of the lord jesus christ ab aap samajhte hain ki hum prabhu yeshu masih ke anuyayi aur chele hote hue unless we are the body of jesus aur uske dwara hum prabhu yeshu masih ki deh hain the holy spirit abides and lives in the church today aur pavitra atma kalisiya mein bana rehta hai aaj ke din that means jiska matlab hai each member of the church is filled with the holy spirit aur kalisiya ka har ek sadasya pavitra atma se bhara hua hai and that holy spirit can be grieved by the carnal way of using the gifts of the holy spirit aur us pavitra atma ko hum shokit kar sakte hain jab hum sharirik riti se us pavitra atma ke vardanon ka prayog karte hain now this was the problem in corinthian church aur yahi samasya corinth ki kalisiya mein they were like children with toys aur wo ek bachcho ke saman the jinke paas khilone the rather than grown ups with the proper tools iske bajaye ki jabki unhe siyana banna tha paripakva hona tha yantron ke sath now let us look at this matter aaiye hum is baat ko aur gambhirta se dekhe the matter of spiritual gifts as discussed in these three chapters ye vishay jo aatmik vardanon ke vishay mein hai jo in teen adhyayon mein jiske vishay mein baat kiya gaya the first portion is chapter 12 verses 1 to 3 aur jo pehla bhag hai wo 12va adhyay pehle vachan se lekar teesre vachan tak Now ignorance about the spiritual gifts aur jab aatmik vardanon ko lekar hum apna tiraskar dikhate hain is no excuse for grieving the holy spirit wo koi bahana nahi hai ki hum pavitra atma ko shokit kar sakte hain why should you be ignorant aap kyon aise swabhav rakhte hain ki aapko kuch nahi pata when the holy spirit himself is abiding in you jab pavitra atma khud aapke bhitar vas karta hai as jesus promised he is sent that he may teach you jaise yeshu masih ne vada kiya ki wo pavitra atma ko bhejega taki wo hame sikhaye he may lead you into all the truth aur wo hame har ek satya mein le jayega and so it is up to us to give opportunity be open to the holy spirit's guidance and learning aur isliye ab hamare upar hai ki hum apne aap ko khula rakhe ki hum pavitra atma ke margdarshan aur niyantran anusar chale but anyway let us read from chapter 12 verses 1 to 3 lekin fir bhi hum 12va pehla corinthians 12va adhyay pehla vachan se teesre vachan tak padhenge please listen as the pastor महेंद्र रीड्स इट और जैसे मैं इस वचन को पढ़ता हूँ कृपया ध्यान पूर्वक आप इसे सुनिए हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो तुम जानते हो कि तुम अन्य जाति के थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट द इग्नोरेंस अबाउट द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और आइए पहले हम देखें कि कैसे ये कुरिंथ के विश्वासी पवित्र आत्मा के वरदानों को लेकर अनजान बने हुए थे व्हाट आर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और ये आत्मिक वरदान है क्या इन वर्स 1 पहला वचन व्हाट डज इट से हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो Spiritual gifts are special gifts and abilities from God given to believers. और आत्मिक वरदान वो खास तोड़े और योग्यताएं हैं जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को दिया है. A believer when he or she is filled with the Holy Spirit. और एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा से भर जाता है, is a potential candidate.
to receive these special gifts or abilities. तो वो एक ऐसा व्यक्ति भी बन जाता है आगे चलकर जो इन पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सकता है. Please understand that. कृपया करके इस बात को समझिए. Why are we quiet? और क्यों हम शांत हैं? Can't the Holy Spirit use anyone he chooses? क्यों नहीं पवित्र आत्मा क्या ऐसे का प्रयोग किसी का भी प्रयोग कर सकती है जिसको वो चुने? Are you available to the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध हैं? That is the question. यही सवाल है. Because if you are a spirit-filled Christian, क्योंकि अगर आप आत्मा से भरे हुए मसीही हैं, you are a potential candidates to be used by the Holy Spirit. तब आप वैसे व्यक्तियों में से हैं जिनका प्रयोग पवित्र आत्मा कर सकता है. And take note of this. और इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए. They are spiritual gifts. और ये आत्मिक वरदान हैं. Spiritual gifts given to from God given to the believers. आत्मिक वरदान जो परमेश्वर की ओर से विश्वासियों को दिए गए. Please understand. कृपया कर समझिए. It is not the gifts of self. याद रखिए ये स्वयं के वरदान नहीं है. It is not your natural abilities etc. और ये आपकी स्वाभाविक या प्राकृतिक योग्यताएं नहीं है. These are gifts given to the believers by God himself. ये तो वो वरदान हैं जो तोड़े हैं परमेश्वर ने खुद अपने विश्वासियों को दिए. So as I mentioned, it is not our natural abilities. और जैसा मैंने बताया ये हमारी स्वाभाविक या प्राकृतिक योग्यता या तोड़े नहीं है. Natural gifting. या हमारे प्राकृतिक तोड़े जो हमें प्राप्त होते हैं. A person may have and which can be developed from birth. जो जन्म से एक व्यक्ति के पास होता है और उस पर काम करके उन्हें और बेहतर बनाया जा But सकता. These spiritual gifts given by God to those who are filled with the Holy Spirit. लेकिन ये आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया जाता है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं. Spiritually given. और ये आत्मिक रूप से दिए जाते हैं. And it is not yours. और ये आपके नहीं हैं. These are the gifts of the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा के वरदान हैं. And the Holy Spirit chooses whomever He desires, who is available to manifest to the world the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा उनको देता है जो तैयार हैं, जो उपलब्ध हैं, उसका प्रकाशन संसार को दिखाने के लिए. And they are special gifts given by the Lord himself. और ये खास तोड़े और वरदान हैं जो परमेश्वर खुद हमें देता है. And the Holy Spirit enables a believer to serve Jesus Christ in the church and in the world by using these gifts in a godly manner. और ये पवित्र आत्मा है जो एक विश्वासी का प्रयोग कलीसिया के भीतर और संसार में करता है कि वो पवित्र आत्मा के इन वरदानों के द्वारा परमेश्वर का सेवा करे. What is the purpose of these gifts? और इन वरदानों का उद्देश्य क्या है? Please, this is something I want all of you to listen carefully and understand. मैं चाहता हूं कि इस बात को आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए. Some people can use, and you will also understand how they were using these gifts to grieve the Holy Spirit. और क्योंकि कुछ लोग और जैसे कुरिन्थ के विश्वासी थे, वे इन वरदानों का प्रयोग पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए कर रहे थे. Let me repeat that one more time. मैं एक बार फिर से कहता हूँ. The Spirit, the gifts of the Holy Spirit to enable a believer to serve Jesus Christ in the church and in the world. और पवित्र आत्मा इन आत्मिक वरदानों के द्वारा एक विश्वासी का सहायता करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कलीसिया और इस संसार में करने पाए. And the purpose is और इन तोड़ों का इन वरदानों का उद्देश्य है to help people to be born again. ताकि वो लोगों की सहायता करें कि वो नया जन्म पाए. To be saved. कि बचा लिए जाएं. And to be baptized in water. और पानी के बपतिस्मे को लें. And thus they are added to the body of Jesus Christ. और उसके साथ वो प्रभु यीशु मसीह की देह में जोड़ दिए जाए. In the gospel, let us take note of these two verses. आइए दो वचनों को आप अपने ध्यानपूर्वक पढ़िए. The gospel according to St. Matthew chapter 25. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय. Verse 15. उसका 15वां वचन. And then again Romans chapter 12. उसके बाद रोमियों की पत्री 12वां अध्याय. Verses 6 to 8. छह से लेकर 8 वचन तक. And let us read this.
आइए इस वचनों को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 15वां वचन। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। ओके, देन रोमन्स चैप्टर 12, उसके बाद रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय वर्स 6-8 और 6-8 तक। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। See, the gospel according to St. Matthew chapter 25 says, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वें अध्याय 15वें वचन में लिखा about a king who was going for a long journey, और एक ऐसे राजा के विषय में जो एक लंबी यात्रा के लिए जाता था। He was a businessman, और वो एक व्यवसायिक व्यक्ति था। And so he called three of his servants, उसने अपने तीनों दासों को बुलाया, and they gave committed to them certain amount of money, और उनके हाथों में कुछ पैसों को सौंप दिया। He said, according to their abilities, और बाइबल में लिखा है एक को उसकी योग्यता के अनुसार। So the first one was given a larger amount, और इसलिए पहले को थोड़ा ज्यादा दिया गया, and the second one little less, और दूसरे को उससे थोड़ा कम, and the third one the least, और जो तीसरा था उसको सबसे कम। He was not distinguishing or belittling anyone, but according to he knew the abilities of his servant, और वो स्वामी किसी को नीचा नहीं दिखा रहा था, लेकिन वो अपने दासों की योग्यताओं को जानता था। And according to their abilities, he committed this amount. और लेकिन अपनी योग्यता उनकी योग्यताओं के अनुसार उसने इस पैसे को उन्हें दिया। And then in Romans, और रोमियों की पुस्तक में, you compare with Romans passage with the, आप रोमियों में जो ये वचन हमने पढ़ा उसकी तुलना, so the Holy Spirit knows every believer in the body of Jesus Christ. मत्ती 25:15 से करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान हर एक विश्वासी की देह में दिखता है। What you are capable of, जो आप करने के योग्य हैं, and what I am capable of, जो मैं करने के योग्य हूँ, and what anyone else is capable of, या कोई दूसरा करने के योग्य है, and according to the abilities, और उनकी योग्यता के अनुसार, the Holy Spirit uses such people to manifest these gifts. पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का प्रयोग करता है कि वो इन तोड़ों इन तोहफों को दिखाए। See what 1 Corinthians chapter 12 describes as gifts of the Holy Spirit. और जो पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय जो आत्मिक वरदानों के विषय में बात करता है, there are only 9 I think. और वहां पर मेरे अनुसार खाली 9 मौजूद हैं। And but there are more gifts mentioned in the book of Romans. लेकिन रोमियों की पत्री में और कई ज्यादा वरदानों के विषय में लिखा गया है। Besides these spiritual gifts, इन आत्मिक वरदानों के ऊपर, there are other gifts, दूसरे वरदान भी हैं, gift of administration, जैसे प्रबंधन का तोहफा, और gift of teaching, और शिक्षा देने का वरदान, and so many other things are mentioned in Romans chapter 12. और 12वें रोमियों की पत्री 12वें अध्याय में और कई सारे वरदानों के विषय में बात की गई। And it's all given to people according to their abilities. और इन सारी बातों को परमेश्वर ने लोगों की क्षमता और योग्यता अनुसार उन्हें दिया है। And if it is counseling, और अगर ये परामर्श है, let that person does that manifest that ability by counseling people. और होने दे ये व्यक्ति उस बात को अपने परामर्श के द्वारा दिखाने पाए। And the second thing is about the spiritual gifts. और दूसरी बात जो आत्मिक वरदानों के विषय में है, Paul says, पौलुस कहता है, I do not want you to be ignorant of spiritual gifts. कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान बने रहो। And three ways that a person can be ignorant about spiritual gifts. और तीन ऐसे तरीके जिसके द्वारा एक व्यक्ति आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान बना रह सकता है। Number one, पहला, what a person be ignorant
that there is such a thing as spiritual gifts. एक व्यक्ति अनजान बना रह सकता है ये कहते हुए कि ऐसी कोई बात है ही नहीं जो कि हम आत्मिक वरदान कहते हैं. Like the two 12 men whom Apostle Paul met by a seaside. जे उन 12 लोगों के समान जिनसे पौलुस प्रेरित उस नदी के किनारे मिला. At Ephesus. Ephesus नगर में. And they were ignorant that there was a Holy Spirit. और वो इस बात को लेकर अनजान थे कि वहाँ पर एक पवित्र आत्मा भी है. That there is such a thing as Holy Spirit, they never heard. क्योंकि उन्होंने कभी पवित्र आत्मा के विषय में सुना ही नहीं. A genuine believer can be ignorant. और एक सच्चा विश्वासी अनजान हो सकता है. And ignorant of what? और किस विषय में अनजान हो सकता है? Ignorant of ignorant that God gives special gifts to enable men. To serve Jesus. और इस विषय में वो अनजान बना रह सकता है या हो सकता है कि परमेश्वर खास तोड़ो या वरदानों को देता है अपने लोगों को खास कामों को करने के लिए. Serving Jesus in the church is the most, one of the most blessed thing that a believer can experience. यीशु की सेवा कलीसिया के भीतर करना एक सबसे बड़ी आशीषित बात है जो एक विश्वासी कर सकता है. So be available to the Holy Spirit. और इसलिए पवित्र आत्मा के लिए आप उपलब्ध रहें. Don't keep on saying, "Oh, I can't do anything. I don't know how to teach." हमेशा ये ना कहते रहें, बहानेबाजी ना करें कि मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूं, मैं कैसे सिखाऊं. Now whom does God equip? और परमेश्वर किसे सशक्त बनाता है? Ignorant people. ऐसे जो अनजान हैं. And when God equips a person, और जब एक परमेश्वर जब एक व्यक्ति को सशक्त बनाता है, whatever job, किसी भी कार्य के लिए, that person is enabled by the Holy Spirit. तब उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा सशक्त करता है उस कार्य को पूरा करने के. So if your church is need of a Sunday school teacher. और अगर आपकी कलीसिया में एक संडे स्कूल शिक्षक की आवश्यकता है. You may have never taught before. हो सकता है आपने कभी नहीं शिक्षा दिया. But you can read and write and understand. लेकिन आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. So you can definitely teach the children. और इसलिए आप सच में बच्चों को पढ़ा सकते हैं. Make yourselves available. आप अपने आप को उपलब्ध करिए. And then you begin to pray. और तब आप प्रार्थना करना शुरू करें. Trust the Lord. आप परमेश्वर पर भरोसा करें. And he will enable you to serve him. और वो आपको सशक्त बनाएगा कि आप उसकी सेवा करें. A genuine believer, as I said, can be ignorant. और एक सच्चा विश्वासी भी अनजान हो सकता है. And then another thing is, दूसरी बात, a person may know God, know that God gives special gifts to his people. और एक व्यक्ति इस बात को जानता हो सकता है, जाने कि परमेश्वर अपने आत्मिक वरदानों को खास लोगों को देता है. But he may not know what gifts God has given him. लेकिन वो इस बात से अनजान हो सकता है कि परमेश्वर ने उसे क्या वरदान दिया है. He may not know what way God wants him to serve the church. और वो ये नहीं जानता कि किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि वो कलीसिया की सेवा करे. It is possible. ये संभव है. And the third thing is, तीसरी बात, a person may know what special gifts God has given him. एक व्यक्ति ये जान सकता है कि उसके पास क्या खास आत्मिक वरदान परमेश्वर ने दिया. Another person may not know. लेकिन वो व्यक्ति इस बात से अनजान हो सकता है. Another person may not know this. और दूसरा व्यक्ति इस बात को ना जाने. And so many people may know what special gifts God has given him. और कि कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या खास आत्मिक वरदान दिया. Person, लेकिन वो व्यक्ति may not know how to use his gifts properly and bring glory to God. उसे ये नहीं पता हो सकता है या इस विषय में वो अनजान होगा कि कैसे वो इस आत्मिक वरदान का प्रयोग करे कि वो परमेश्वर की सेवा करने. Listen carefully one more time. एक बार फिर से ध्यान पूर्वक सुनिए. A person may know what gifts God has given him. एक व्यक्ति ये जान सकता है कि उसे परमेश्वर ने क्या खास वरदान दिया है. But he may not know how to use it properly to bring glory to God. लेकिन उसे ये इस बात से वो अनजान हो सकता है कि कैसे वो इस आत्मिक वरदान का प्रयोग करे कि परमेश्वर के नाम को महिमा दे. So it was in this third point. और ये इस तीसरी बात में है. That the Corinthian church was having
so much problem. कि कुरिन्थ की कलीसिया में कई सारी समस्याएं हो रही थी. What was their problem? उनकी समस्या क्या थी? Apostle Paul himself mentioned that to the Corinthian believers, you lack no gifts of the Holy Spirit. और पौलुस प्रेरित खुद इस बात को कुरिन्थ के कलीसिया से कहता है कि तुम किसी भी आत्मिक वरदान में कम नहीं हो. You every spiritual gifts that God wants to give, He has already given you. और हर एक आत्मिक वरदान जो परमेश्वर देना चाहता है उसने तुम्हें दिए हैं. So what is the solution? तो इसका उत्तर क्या होगा? What is the solutions to ignorance? और इस अनजान बने रहने का उत्तर क्या है? The first thing we considered was a person may be ignorant that there is such a thing as the Holy Spirit. पहली बात जो हमने देखी वो था कि एक व्यक्ति अनजान बना रह सकता है कि क्या पवित्र आत्मा है ही नहीं. There is only one solution to ignorance. और इस अनजान बने रहने का सिर्फ एक ही उत्तर है. Study. अध्ययन करना. Study by reading the Bible. और अध्ययन करना बाइबल को पढ़ने के द्वारा. And so there is no excuse for being ignorant. और तब अनजान बने रहने का कोई बहाना ना होगा. If you are a Christian. अगर आप एक मसीही हैं. If you are a church going Christian. अगर आप एक कलीसिया जाने वाले मसीही हैं. You need to be a Bible reading Christian. तब आपको एक बाइबल पढ़ने वाला मसीही बनना है. With a desire to know. और एक इच्छा के साथ कि आप जानने पाए. So study. और इसलिए पढ़िए. Believers must study the word of God. और विश्वासियों को परमेश्वर के वचन का And then seek the guidance of the Holy Spirit. और उसके बाद पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन को मांगना. In order to give you the enlightenment and to enlarge their understanding. ताकि वो प्रकाशन और उनका समझ उन्हें मिलने पाए, बड़ा होने पाए. In 2 Timothy chapter 2 verse 15. और दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय 15वें वचन में. And also 3 verse 16. और उसके बाद तीसरा अध्याय 16वें वचन में. And Acts chapter 17 verse 11. प्रेरितों के कार्य 17वां अध्याय 11वें वचन में. These verses talks about the importance of study. और ये वचन के ये सारे भाग बात करते हैं अध्ययन वचन के अध्ययन के महत्व के विषय में. Let us read one verse. आइए हम एक वचन को पढ़ लें इसमें से. 2 Timothy chapter 2 verse 15. दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय 15वां वचन. I think there the apostle Paul says. और वहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है. Study to prove yourself. कि तुम अध्ययन करो ताकि अपने आप को साबित करने पाओ. That you may be a man of God, a servant of God, who need not to be ashamed. ताकि तुम परमेश्वर के एक ऐसे दास बनने पाओ जिसे शर्मशार ना होना पड़े. See if that is correct. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो. Ah, that is it. और यही वो वचन है. स्टडी. आप पढ़िए. एंड दैट द स्क्रिप्चर डिमांड्स एंड इंस्ट्रक्ट थ्रू द स्क्रिप्चर्स दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिलीवर्स टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू बी नॉलेजेबल. और ये वचन खुद इस बात की मांग करता है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर अध्ययन करना है ताकि हम परमेश्वर की बातों और ज्ञान को ला जान सके. So the solution to ignorance. और इसलिए अनजानेपन का जो उत्तर है. Study. आप अध्ययन करिए. And that is very important. और ये महत्वपूर्ण है. And then next Wednesday we shall study the rest of the thing. और अगले बुधवार को हम इस वचन में आगे बढ़कर इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे. And so, meanwhile, लेकिन तब तक, I encourage you to read this passage during these days. लेकिन तब तक अगले हफ्ते जब तक हम ना मिलें, आप इस पूरे अंतराल में इस वचन के अध्ययन को करिए. 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय. And chapter 13 and also chapter 14. और 13वां और 14वां अध्याय. These chapters talk about the spiritual gifts and their operation. और ये वचन का भाग बात करता है आत्मिक वरदानों के विषय और कैसे ये आत्मिक वरदान काम करते हैं. And in the first century church. और पहली सदी की कलीसिया में. This was so very important and every congregation experienced
manifestation of the gifts of the Holy Spirit. ये बड़ा महत्वपूर्ण था और हर एक कलीसिया हर एक लोगों के समय ने पवित्र आत्मा के प्रकाशन को महसूस किया और ग्रहण किया. That's how the church grew. और इसी रीति से कलीसिया बढ़ती चली गई. And church was alive. और कलीसिया जीवित रही. Where is the manifestation of the gifts of the Holy Spirit today? और पवित्र आत्मा के तोहफों और वरदानों का प्रकाशन आज के दिन कहाँ है? I encourage the believers. और मैं विश्वासियों को प्रोत्साहित करता हूँ. And all the pastors. और जितने पासवान हैं सबको. To teach the believers कि विश्वासियों को सिखाइए that every person must be filled with the Holy Spirit कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हो and every spirit-filled believer is a potential candidate to be used by God to manifest the gifts of the Holy Spirit. और हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो पवित्र आत्मा के लिए अगला एक ऐसा व्यक्ति है जिसका प्रयोग पवित्र आत्मा अपने काम के लिए कर सकता है. That's what makes the church alive. और यही बात कलीसिया को जीवित बनाता है. Praise God for the Holy Spirit. धन्यवाद हो परमेश्वर का इस पवित्र आत्मा के लिए. Holy Spirit of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा. We need you. हमें आपका आवश्यकता है. And we need to be in the midst of your people. हमें तेरे लोगों के बीच में बने रहना है. The congregations. लोगों तेरे विश्वासियों के बीच में. And we want you, O God, to fill everyone with the Holy Spirit. और परमेश्वर हम चाहते हैं तू हर एक विश्वासी को अपने पवित्र आत्मा से भर दे. And then you know each believer. और तू हर एक विश्वासी को जानता है. According to the availability of these people. और इन लोगों की उपलब्धता के अनुसार. Use them, O Lord. उनका प्रयोग कर परमेश्वर. Let the gifts of the Holy Spirit be manifested in them and through them. उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान उनके भीतर और उनके द्वारा प्रकाशित हो. That's how the Spirit of God moves in the church and make the local congregation alive. और इसी रीति से परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक स्थानीय कलीसिया में चलन करता है और उस कलीसिया को जीवित बनाता है. And then used of God. और परमेश्वर के द्वारा प्रयोग किया जाए. Church will grow. और इसके द्वारा कलीसिया बढ़ने पाए. Oh, let us return to the Holy Spirit's way. और आइए हम पवित्र आत्मा के तरीकों की ओर लौट जाएं. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And meditate on these things. और इन बातों पर मनन करें. And walk in the Spirit. और वचन आत्मा के अनुसार चलिए. Amen. That means live in the Spirit. जिसका मतलब है आत्मा में जिए. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen. Amen.